चिल्ड्रन, हाउ आर यू ऑल? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे. सो दिस इज योर टीचर पूजा सहानी विद योर बुक ग्रामर ग्लिटर ओडिसी बाय ब्रेन रूट सीरीज. एंड वी हैव कम ऑन द लास्ट चैप्टर ऑफ योर बुक, चैप्टर नंबर 25, कैपिटल लेटर्स एंड पंक्चुएशन मार्क्स. सो लेट्स गो अहेड. नाउ क्या होते हैं कैपिटल लेटर्स और कैपिटलाइजेशन, पहले हम ये देखते हैं. कैपिटल लेटर्स और कैपिटलाइजेशन इज द राइटिंग ऑफ द वर्ड विद इट्स फर्स्ट लेटर एज अपर केस एंड द रिमेनिंग लेटर्स एज लोअर केस. सो फर्स्ट लेटर ऑफ द वर्ड लिखा जाता है कैपिटल अपर केस में और बाकी के सब लोअर केस में. ओके, कैपिटल लेटर्स आर यूज टू स्टार्ट सेंटेंसेस एंड आइडेंटिफाई प्रॉपर नाउन. जब हम प्रॉपर नाउन का यूज करते हैं देन वी यूज कैपिटल लेटर से हम सेंटेंस स्टार्ट करते हैं. ओके, या फिर जब हम कोई सेंटेंस स्टार्ट करते हैं तो उसे भी हम कैपिटल लेटर से ही स्टार्ट करते हैं. ओके, सो टाइटल्स आर कैपिटलाइज्ड इफ दे आर पार्ट ऑफ समवन्स नेम. अगर किसी नेम का टाइटल पार्ट है तो वो भी कैपिटलाइज होते हैं. ओके, सो लेट्स गो अहेड. Now we have exercise, rewrite the sentences below with the correct capitalization. हमें यहाँ पर correct capitalization दिखाना है, ठीक है? तो sentence की starting जो होगी वो capital letter से start होगा और जो भी sentence में proper nouns होंगे वो भी capital letter से start होंगे बच्चों, because वो भी क्या होंगे? Specific names होंगे किसी person के, animal के, thing के या place के. So let's start. We studied about the earth in class today. So, सबसे पहले तो हमने इसे ही capital बना लेना है. We studied about the earth. Okay, because earth is a proper noun. My favorite day is Tuesday because I go to park on this day. So, my M will be capital. My favorite day. So, this is the specific name of a day, Tuesday. Because I go to park on this day. My favorite prime minister is Narendra Modi. So, Narendra Modi and my. My favorite prime minister is Narendra Modi because of the way he spoke. The children wanted to go to Disneyland but they are not allowed. So, sabse pehle to sentence ka starting letter will be capital. Wanted to go Disneyland. Okay? Chaliye. Can you come to my house on Saturday? Saturday ka S capital and can you come? Sarika is going to watch Avengers tomorrow. Avenger is the name of a movie. My birthday is in July. So July is the month name and the sentence ka starting letter will be capital. Okay? So I hope ki aapko clear ho gaya hoga ki hume proper noun aur starting sentence ke letter ko अपर केस में रखना है और बाकी सब लोअर केस में आएंगे. सो लेट्स गो अहेड. नाउ मैच ईच पंक्चुएशन मार्क टू इट्स नेम. तो बच्चों हमें जब हम इंग्लिश ग्रामर लिखते हैं या फिर जब हम कुछ बोलते भी हैं तो यू मस्ट हैव नोटिस्ड, आपने नोटिस किया होगा कि हम थोड़े बहुत पॉज लेते हैं. वो हम क्यों करते हैं? क्योंकि हम ये बताते हैं या ये हमारा एक स्टाइल हो जाता है कि यहाँ ये सेंटेंस फिनिश हो गया है. इसी तरह से ग्रामर लिखते हुए या इंग्लिश लिखते हुए भी हम पंक्चुएशन मार्क्स का यूज़ करते हैं. ओके, सो यहाँ पर ये एक्सरसाइज आपको दी हुई है, मैच ईच पंक्चुएशन मार्क टू इट्स नेम. हर पंक्चुएशन मार्क को इसके नेम के साथ हमें मैच करना है. सो वी हैव इंटरप्रिटेशन बॉक्स हेयर, इसे देख लेते हैं पहले. पंक्चुएशन इज अ वे ऑफ यूजिंग सिम्बल्स. पंक्चुएशन एक तरीका है सिम्बल्स को यूज करने का टू पुट वर्ड्स इन टू सेंटेंसेस क्लॉजेस एंड फ्रेजेस, ताकि हमें समझ आए कि कहाँ सेंटेंस एंड हो रहा है, कहाँ हम एक जैसी दो या तीन चीज़ों की बात कर रहे हैं, कहाँ हमें शॉर्ट पॉज लेना है, कहाँ हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं, कहाँ हम कोई सरप्राइज या कोई फीलिंग को एक्सप्रेस कर रहे हैं. सो ये सब होता है इन पंक्चुएशन मार्क्स के थ्रू. सो चलिए सबसे नंबर वन पे, यू ऑल नो दिस, फुल स्टॉप. सो ये है फुल स्टॉप. नेक्स्ट दिस इज क्वेश्चन मार्क. ओके, सो आई एम राइटिंग लाइक दिस, यू कैन मैच इट टू.
दिस इज द एक्सक्लेमेशन मार्क जब हमें अपनी कोई स्ट्रांग फीलिंग या फिर कोई एक्सप्रेशन को एक्सप्रेस करना होता है. ओके, दिस इज सिंपल. वी हैव कॉमा व्हेन वी टेक अ शॉर्ट पॉज. दिस इज सेमी कॉलन. ओके, दिस इज सेमी कॉलन. दिस इज हाइफन. दीज आर ब्रैकेट्स एंड दिस इज क्यूटेशन मार्क. ओके, सो ये होते हैं सारे पंक्चुएशन मार्क के नेम्स. ओके, तो आप इनको मैच कर सकते हो मेरे साथ साथ. चलिए आगे चलते हैं. नाउ री राइट दीज सेंटेंसेज आफ्टर इंसर्टिंग द मिसिंग पंक्चुएशन मार्क. फुल स्टॉप, कॉमा, क्वेश्चन मार्क्स और एक्सक्लेमेशन मार्क यहाँ पर मिसिंग हैं. एंड कैपिटल लेटर्स भी हमें करेक्ट प्लेसेस पर लिखने हैं, तो हमें इन्हें री राइट करना है. हु हैज़ टेकन माई पेन. सो ये यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है, हु हैज़ टेकन माई पेन, मेरा पेन किसने लिया, क्वेश्चन है. लेकिन हमें सबसे पहले इसको कैपिटल लिखना है, हु हैज़ टेकन माई पेन. ओके, एंड क्वेश्चन मार्क हमने यहाँ पर पुट किया है. वॉट अ सरप्राइज, दिस इज अ फीलिंग. ओके, सरप्राइज है, शो कर रहे हैं हम. What a surprise, we will put exclamation mark. Hello, Mrs. Sharma. Hello, we will take a comma. Mrs. Sharma. Hello, Mrs. Sharma. Okay, Mrs. Sharma, एक name के साथ title है Mrs., so ये भी capital में आएगा. Okay, Neeta bought some sugar, rice, salt and tea. So ये चारों चीज़ें अलग हैं, sugar, rice, सॉल्ट एंड टी. लेकिन हम इसे कैसे शो कर रहे हैं एक साथ, नहीं, दिस इज द रॉन्ग वे. सबसे पहले तो नीता का जो एन है वो कैपिटल होगा. नीता बॉट सम कॉमा राइस कॉमा सॉल्ट एंड टी, राइट. जिमी डू You want oatmeal for breakfast. So, अब ये जिमी से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो हमें एक यहाँ पर पॉज दिखाना है. जिमी, ओके, डू यू वॉन्ट oatmeal for breakfast? So, next. लास्ट में हम क्वेश्चन मार्क लगाएंगे. ओके, विल यू पास मी द सॉल्ट प्लीज. सो विल यू पास मी द सॉल्ट प्लीज. ओके, आई, मैं इसको यहीं पर करके दिखा रही हूं आपको. आई एंजॉयड रीडिंग एन ए ऑफ ग्रीन गैबल्स रिटन बाय आई डॉट एम डॉट Montgomery. ओके, सो ये यहाँ पर एक राइटर का नेम है, इसको हम इस तरह से शो करेंगे. चलिए आगे चलते हैं. सो नाउ वी हैव सी एक्सरसाइज. री राइट द फॉलोइंग सेंटेंसेज विथ करेक्ट पंक्चुएशन मार्क. ओके, स्टॉप इट, आई डोंट लाइक वेन यू शाउट. सो स्टॉप इट, कॉमा आ जाएगा यहाँ पर. आई विल बी कैपिटल. डोंट लाइक वेन यू शाउट. माई फेवरेट फूड इज चाइनीज. ओके, हु इज योर बेस्ट टीचर एट स्कूल. चलिए आगे देखते हैं. आई विश आई कुड गो एंड विजिट माई ग्रैंड पेरेंट्स. आई विश आई कुड गो एंड विजिट माई ग्रैंड पेरेंट्स. द हॉर्स इज इन द स्टेबल. गो अवे. वेन इज योर बर्थडे. How much money will I need to buy roller skates? Okay, so यहाँ पर हमने fill किए हैं correct punctuation marks. Okay, चलिए आगे चलते हैं. Now we have the provocation exercise, children. हमें ये story पढ़नी है और हमें proper punctuation को fill करना है. चलिए story पढ़ते हैं. Robert and his brother Jack were going on a camping trip in the Sierra Mountains. So Robert and his brother Jack were going on a camping
ट्रिप इन द सियरा माउंटेन. सेंटेंस एंड हो गया है तो हमें यहाँ पर फुल स्टॉप लगाना है. यू सेट अप द टेंट सेड रॉबर्ट. अब रॉबर्ट के वर्ड्स हैं ये, यू सेट अप द टेंट. सो हमें इसको क्या करना होगा, हमें इसे क्यूटेशन मार्क में डालना है. यू सेट अप द टेंट सेड रॉबर्ट एंड आई विल गैदर द फायर वुड्स एंड देन फुल स्टॉप. लेटर दैट नाइट दे वॉक टू द साउंड ऑफ फुटस्टेप्स. वॉट इज दैट, what is that, asked Jack. The sound grew louder. Okay, full stop. So, comma, do you think it is a bear, asked Robert. I think it is Bigfoot yellow, yelled Jack. They got their flashlights and went outside to investigate. Okay, I think it is Bigfoot. I think it is Bigfoot. Okay, yelled Jack. They got their flashlight. यहाँ पर कॉमा आएगा, okay? Because ये Jack की ही बात हो रही है. Jack ने ही बोले हैं ये sentences. I think it is Bigfoot. Yelled Jack. They got their flashlight and went outside to investigate. तो यहाँ पर full stop आ जाएगा. Everything was quiet, सब कुछ शांत था. And still the next morning, and still, सब कुछ शांत और एकदम quiet था. Okay, जैसा था वैसा ही था, कुछ change नहीं था. The next morning, comma, when they left the tent, they suddenly froze in the mud. Okay, surrounding their tent were the most giant footprints they had ever seen. So the next morning when they left the tent, एक short pause लेंगे, they suddenly froze in the mud. Okay, surrounding their tent were the most giant footprints they had ever seen. So अपने tent के पास इन्होंने सबसे ज़्यादा giant foot के prints देखे थे. सबसे ज़्यादा जितने giant हो सकते थे उतने बड़े बड़े footprints इन्होंने देखे. तो ये उस फुटप्रिंट में फंस गए. दे सडनली फ्रोज इन द मड. सो इस तरह से हम पंक्चुएशन मार्क लगाते हैं बच्चों. जहाँ हमें फुल स्टॉप लगाना है वहाँ फुल स्टॉप, जहाँ क्वेश्चन पूछा जा रहा है वहाँ क्वेश्चन मार्क. ओके, और जहाँ पर हम कोई डायरेक्ट स्पीच बता रहे हैं, मतलब स्पीकर के डायरेक्ट वर्ड्स बता रहे हैं, वहाँ पर हम क्यूटेशन मार्क्स पुट करते हैं. ओके, नाउ we have a listening and speaking topic here also, narrating an experience. एक experience को narrate करके बता रहे हैं यहाँ पर. कोई भी आप अपना experience ले सकते हो, उसे आप कैसे बताओगे. okay, so उसी का example है यहाँ. Sophie is narrating an experience of her own to her mother. अपना एक experience अपनी mother के साथ वो share कर रही हैं. About the first day of her boarding school, अपने boarding school के पहले दिन के बारे में. I arrived at the new school, मैं new school पहुँची. Feeling nervous and unsure of where to go. Feel nervous थी और unsure थी कि कहाँ जाना है. As I walked down the hallway, जैसे ही मैं नीचे hallway में पहुँची, a girl named Mehika, एक लड़की जिसका नाम मेहिका था, approached me, मेरी तरफ आई, with a warm smile, एक बहुत अच्छी smile के साथ. She asked, उसने पूछा, if I needed help finding my class, कि क्या मुझे अपनी class को ढूंढने में कोई help की need है, and without hesitation, offered to show me the way, और बिना हिचकिचाहट के उन्होंने मुझे रास्ता दिखा दिया. Grateful for her kindness, I gladly accept her offer. मैं उसकी काइंडनेस के लिए ग्रेटफुल फील करते हुए मैंने उसका ऑफर एक्सेप्ट कर लिया. ड्यूरिंग आवर वॉक, हम चलते चलते, वी स्टार्टेड टॉकिंग एंड डिस्कवर्ड अ शेयर्ड इंटरेस्ट इन आर्ट. हमने बात करनी स्टार्ट की और हमें पता चला कि हमारे दोनों का ही इंटरेस्ट आर्ट्स में है.
मिहिका शोड मी हर स्केचेस, मिहिका ने मुझे अपने स्केचेस दिखाए एंड आई वॉज अमेज्ड एट हर टैलेंट, और मैं उसके टैलेंट से बहुत ज़्यादा अमेज्ड हुई, मतलब सरप्राइज हुई. वी बॉन्डेड ओवर आर लव फॉर क्रिएटिविटी एंड डिसाइडेड टू जॉइन द आर्ट क्लब टुगेदर. ओके, सो हमारा जो प्यार था हमारी क्रिएटिविटी के लिए, और उससे ही हमारा बॉन्ड बना और हमने डिसाइड किया कि हम आर्ट क्लब को एक साथ ज्वाइन करेंगे. फ्रॉम दैट डे, उस दिन से ऑनवर्ड्स, मोहिका बिकेम माई गाइड, मोहिका मेरी गाइड बन गई एंड कॉन्फिडेंट, ऑलवेज रेडी टू लेंड एन ईयर एंड सपोर्ट मी थ्रू द हाइज एंड लोज ऑफ स्कूल लाइफ. ओके, मिहिका मेरी गाइड बन गई, कॉन्फिडेंट बन गई, कि मतलब मैं सब कुछ उससे कह सकती थी. शी वॉज ऑलवेज रेडी टू लेंड एन ईयर, और सपोर्ट भी करती थी वो मुझे मेरे स्कूल लाइफ के हाइज एंड लोज में. कोई भी अगर ऊंची नीची बात हो जाती थी, मिहिका ऑलवेज सपोर्टेड मी. वी स्पेंड काउंटलेस आवर्स स्टडीइंग, लाफिंग एंड मेकिंग आर्ट टुगेदर. हमने बहुत टाइम साथ गुजारा, काउंटलेस आवर्स, किस चीज़ में, पढ़ने में, हंसने में और साथ में आर्ट बनाने में. ओके, आर फ्रेंडशिप ग्रू स्ट्रॉन्गर, हमारी फ्रेंडशिप स्ट्रॉन्ग हो गई विथ ईच पासिंग डे, एंड दैट इज़ हाउ वी बिकेम फ्रेंड्स, और इसी तरह से हम फ्रेंड बने. सो अपनी मदर के साथ एक एक्सपीरियंस शेयर किया, और इसी तरह से एक्सपीरियंस को शेयर किया जाता है, जो भी एक्सपीरियंस आपने फील किया हो. सो बच्चों, यहाँ पर हम आपको कुछ सिचुएशंस दे रहे हैं, और आपको ये इमेजिन करना है कि ये सिचुएशन आपके साथ हुई है. ओके, एंड नाउ यू विल नरेट योर एक्सपीरियंसेस, जैसे कि नरेट एन इंसिडेंट फ्रॉम योर ओन एक्सपीरियंस व्हेन यू हेल्प्ड अ फ्रेंड हु वाज इन ट्रबल. सो आपको एक एक्सपीरियंस शो करना है, अपना नरेट करना है, जब आपने अपने फ्रेंड की हेल्प करी थी जब वो ट्रबल में था. एक्सप्लेन व्हाट हैपेंड, आपको एक्सप्लेन करना है कि क्या हुआ था. What did you do to make the situation better? और आपने उस situation को better बनाने के लिए, अच्छा बनाने के लिए या ठीक करने के लिए क्या किया. Next we have bring a photograph of any occasion to class. So आपको अपनी class में किसी भी occasion की photograph को लेकर आना है. Work in pairs, pairs में work करना है, and tell your friends about the photograph. और आप जो photograph लेकर आए हो उसके बारे में अपने friend को बताना है. आप क्या बता सकते हो, when, where was it taken, ये फ़ोटो आपने कब ली थी, कहाँ ली गई थी, what was the occasion, occasion क्या था, कोई wedding हो सकती है, या आप कहीं घूमने गए हो सकते हो, या कोई festival की फ़ोटो हो सकती है, right? Why is the photo special to you, आपके लिए ये फ़ोटो special क्यों है. ओके, आपने वही फ़ोटोग्राफ लेके जानी है जो आप जिससे कनेक्ट हो. ओके, जो आपके लिए स्पेशल हो. Who are the people in the photo? फोटो में जो लोग हैं वो कौन हैं? If any funny incident happened at the time, कोई और funny incident उस time पर हुआ हो जो आपको याद हो, आप उसे भी narrate कर सकते हो. So इस तरह से हम अपने experience को लोगों को बता सकते हैं, narrate कर सकते हैं, और उन्हें write down भी कर सकते हैं. Okay? So I hope that the narrating of the experience is clear to you. So children, we have one vocabulary topic, one word substitution. जब हम एक पूरे sentence के लिए एक word decide करते हैं, that is called one word substitution. So fill in the missing letters to get one word for each of the definitions given below. Take help of help box if needed. So चलिए start करते हैं. We have the words. A story not based on realistic characters or setting. वो story जो real character और setting पर based नहीं होती है, imaginary होती है, उसे हम कहते हैं fantasy. Okay? One who believes in God. जो God में believe करता है, that is called theist. Theist. The art of beautiful handwriting. ब्यूटिफुल हैंड राइटिंग की जो आर्ट होती है, दैट इज कॉल्ड कैलीग्राफी. ओके, अ प्रोफेशनल राइडर इन हॉर्स रेसेस. सो हॉर्स रेसेस में जो प्रोफेशनल राइडर होते हैं, दे आर कॉल्ड जॉकी. जॉकी. ओके, द स्टडी ऑफ द ह्यूमन माइंड, साइकोलॉजी. ओके,
वन हु इज मोर देन 100 ईयर्स ओल्ड. सो उसे क्या कहते हैं? सो आगे आप बताएंगे स्पेलिंग. सी ई एन टी ई एन ए आर आई ए एन, सेंटिनेरियन. ओके, वन जो कि 100 ईयर्स ओल्ड से भी पुराना हो उसे कहेंगे सेंटिनेरियन, राइट. सो अ केस इन विच अ स्वॉर्ड इज कैप्ट, जिसमें एक स्वॉर्ड रखी जाती है बच्चों, उसे हम कहते हैं शीट, एस एच ई ए टी एच. ओके, सो चलिए आगे चलते हैं, हमारे लिए और वर्ड्स हैं आगे. नाउ वन हु इज स्किल्ड इन फॉरेन लैंग्वेजेस, जो फॉरेन लैंग्वेजेस में स्किल्ड होता है, मतलब जिसे के फॉरेन लैंग्वेजेस पढ़नी आती हैं, उसे क्या कहते हैं या बोलनी आती हैं? लिंग्विस्ट. ओके, सो दैट पर्सन इज कॉल्ड लिंग्विस्ट. एनिमल प्लांट्स विच लिव इन वॉटर, एक्वेटिक. एक्वेटिक, वन हु प्रिटेंड्स टू बी वॉट ही इज नॉट. सो उसे कहते हैं हिपोक्राइट. ओके, उस पर्सन को क्या कहेंगे हम? हिपोक्राइट. द साइंटिफिक स्टडी ऑफ ऑल लिविंग बींग्स, सब लिविंग बींग्स की जो साइंटिफिक स्टडी होती है वो कहते हैं बच्चों बायोलॉजी. ओके, आगे आने वाली क्लासेस में आप भी पढ़ेंगे ये सब्जेक्ट. द साइंटिफिक स्टडी ऑफ ऑल लिविंग बींग इज बायोलॉजी. ओके, द साइंटिफिक स्टडी ऑफ द सन द मून द स्टार एटसेट्रा, जो हम साइंटिफिक स्टडी करते हैं मून स्टार्स और सन के बारे में, दैट इज कॉल्ड एस्ट्रोनॉमी. ओके, एस्ट्रोनॉमी. सो बच्चों ये होते हैं वन वर्ड्स ऑफ सब्स्टिट्यूशन. एक पूरे सेंटेंस के लिए जो हम एक वर्ड डिस्क्राइब करते हैं उसे कहते हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन. सो प्लीज लर्न ऑल दीज वर्ड्स एंड आई होप दैट दिस इज क्लियर टू यू. थैंक्स फॉर वॉचिंग. हैव अ नाइस डे. गॉड ब्लेस यू.